हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे नेक्स्ट लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स दिया था गेलुसाक नाम के साइंटिस्ट ने 1808 में। तो गेलुसाक ने क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक गैसें आपस में मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, और प्रोडक्ट हमारा क्या है, गैस। तो अगर हम लोग इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यानी अभिकारक और उत्पाद के वॉल्यूम का रेशियो देखें तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए हम लोग HCl के फॉर्मेशन को देखें, जब वन वॉल्यूम H2 वन वॉल्यूम Cl2 के साथ रिएक्शन करके टू वॉल्यूम HCl का फॉर्मेशन करती हैं, तब हम लोग अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो देखें तो हमें 1:1:2 मिलेगा, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें, हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया के फॉर्मेशन में 1:3:H2 के साथ रिएक्शन करके 2:NH3 का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनमें अगर हम लोग वॉल्यूम का रेशियो देखें तो 1:3:2 मिलेगा, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। लेकिन गेलुसाक की कंडीशन क्या है, गेलुसाक के लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स की, कि हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो सभी क्या होनी चाहिए, गैसें होनी चाहिए, और जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, सेम, तब गेलुसाक का लॉ क्या होगा, फॉलो होगा। आई होप आपको लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम समझ में आया हो। थैंक यू।